हेलो स्टूडेंट, मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूं आपको मैथ मित्रा के चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने सेट के बारे में समझा था कि सेट होता क्या है और सेट के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था, जिसमें हम लोगों ने सेट को लिखना समझा था, जहाँ पे हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के बारे में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जाना था। इसके साथ साथ हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व किया था। ये वीडियो जो हमारा होगा वो होगा सेट के टाइप्स के ऊपर। हम लोग इस वीडियो में सेट के जो टाइप्स होते हैं, जिसमें से आपके नल सेट होता है और बाकी सारे सेट के जो भी टाइप्स होते हैं, वो सारे सेट्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ सेट, सेट के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा टाइप होता है एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नल सेट, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, या अगर इसको बोले वाइड सेट भी बोलते हैं। अब समझते हैं कि नल सेट या एम्प्टी सेट होता क्या है। तो ध्यान दो कि मान के चलो कि अगर हम कहें कि क्लास 11th में पढ़ने वाले 10th क्लास के बच्चों का सेट बनाओ, तो क्या कोई बच्चा ऐसा मिलेगा जो क्लास 11th में 10th क्लास पढ़ता हो? ऐसा मिलेगा तो वहां पे नंबर ऑफ सेट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए? एम्प्टी, खाली रह गया ना। एक ऐसा चल कि मान के चलो कि अगर हम कहें कि तुम लोग क्लास में केवल लड़के हैं, वाइज स्कूल में पढ़ने वाले गर्ल्स का सेट बनाओ, उसमें एलिमेंट कितने रहेंगे? जीरो, एम्प्टी रहेंगे। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कहते हैं या फिर वाइड सेट कहते हैं। यानी एक और एक ऐसे एग्जांपल से ले लेते हैं, ये तो छोटा मोटा एग्जांपल था। मान के चलो कि अगर हम तुमसे कहें कि एक ऐसा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एक्स सच डेट एक्स वेयर, अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये किससे बिलोंग्स करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड x जो है, ध्यान देना, x जो है वो बड़ा है 4 से और छोटा है 5 से। अब बता, इसको अगर इसमें एलिमेंट तुमको खोजना है तो कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? 4.1, अच्छा 4.1 मिलेगा, 4.2 मिलेगा। 4.1, 4.2 नेचुरल नंबर है, ये तो बिलोंग्स करना चाहिए किससे? नेचुरल नंबर से ना बिलोंग्स करना चाहिए। तो इसमें क्या हमको कोई एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा, तो कैसे लिख देंगे? इस तरीके से लिख देंगे, खाली डब्बा बना के छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट, कोई नंबर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 4 और 5 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? 4.1, 4.2, 4.3, ये सारे नंबर आएंगे। लेकिन हमको ये बिलोंग्स किससे करना चाहिए था? नेचुरल नंबर से, और ये तो हमारे नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, ध्यान देना। मान के चलो कि तुमको अगर दे यहां पे कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्यू से हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू। अब बात बताओ, अब यहां पे कितने एलिमेंट मिलेंगे? अगर तुम कहोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? टू। इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो? एक्स इक्वल टू रूट टू होना चाहिए। अच्छा, रूट टू बताओ कि क्या ये रूट टू हमारा रेशनल नंबर है? है, तो क्या इसका, इस सेट का एलिमेंट होगा? नहीं होगा ना। तो और दूसरा कोई एलिमेंट मिलेगा इस सेट में? नहीं मिलेगा ना। जब नहीं मिलेगा तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है कुछ बातें? नहीं समझ में आ रहा तो और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पे ध्यान दो कि मान के चलो कि दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू
होल नंबर वेयर एक्स एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो है। अब बात बताओ यहाँ पे एलिमेंट कौन सा होगा, x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू जीरो थोड़ी आएगा, माइनस फोर आएगा। यहाँ पे प्लस फोर है ना, तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस फोर आएगा। लेकिन क्या इस सेट का वो एलिमेंट होगा, क्यों नहीं होगा बाबू, क्योंकि होल नंबर नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट किससे बिलोंग्स करना चाहिए, होल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए, और होल नंबर तो निगेटिव होता ही नहीं है। तो इसलिए ये सेट कौन सा सेट कहलाएगा, नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाएगा। मतलब फिर से एक बार और बता देते हैं कि नल सेट या एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट एम्प्टी होते हैं, यानी एक भी एलिमेंट नहीं होते, एक भी एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, समझ में आ चुका है, डिफिनीशन लिखिएगा। विच डज नॉट कॉन्टेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। कि एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई ऐसे खाली डब्बा या फिर, और इसको क्या आई क्या पढ़ेंगे, फाई पी एच आई, या फिर फाई एक और तरीके से लिखा जाता है, ध्यान देना। ये भी हमारा क्या होता है, फाई, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। चलो अगला होता है क्या, सिंगल टर्न सेट। सिंगल टर्न सेट, अब ध्यान देना, सिंगल टर्न सेट जैसे कि नाम है क्या कि सिंगल, ठीक है, बेचारा सिंगल नहीं है अभी तक। सिंगल टर्न मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल टर्न सेट कहते हैं। तो यह एक बात बताओ क्या लिखेंगे, कि ए सेट कॉन्टेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टर्न सेट। ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, अलग से बता रहे हैं हम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल टर्न सेट कहते हैं। अच्छा एक हमको बस थोड़ा सा बता दो कि ये हमारा नल सेट है और ये दोनों एक ही होगा, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें टर्न दिया, क्योंकि नहीं, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है ना, ये दोनों एक ही होगा, होगा कि नहीं, होगा या नहीं, बस इतना आंसर दो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट है ना, चाहे वो जीरो ही है, तो क्या हो गया, तो ये हमारा नल सेट हो गया, ये हमारा क्या होगा, सिंगल टर्न सेट होगा। ये हमारा क्या होगा, नल सेट होगा, ये हमारा सिंगल टर्न सेट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे दिया हो या फिर इस तरीके का दिया हो या फिर इस तरीके का दिया हो। फॉर्मूला ले लेते एग्जांपल कि मान के चलो कि x सच डेट x, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब बात होता है यहाँ पे x का कितना वैल्यू आ सकता है, x का दो को वैल्यू आ सकता है, कि सिर्फ एक वैल्यू आएगा, टू आएगा, एक ही ना वैल्यू आएगा, x की जगह पे एक टू ही तो रखोगे, जब टू माइनस टू होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू होके जीरो हो जाएगा, और जो बिलोंग्स नेचुरल नंबर से भी करेगा, है कि नहीं। यानी कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होंगे जो कि टू होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, सिंगल टर्न सेट कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सिंगल टर्न सेट कहेंगे। ठीक है, ये समझ के इसके बाद से लिखते चलना सब। अगला टाइप्स जो होता है वो क्या आता है कि फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, अब देखो जैसा कि नाम दिया हुआ है क्या, फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कि ज्ञात हो, फाइनाइट मतलब क्या, ज्ञात हो, जो चीज
मालूम हो कि हाँ इतना ही होगा, उसको उस सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे एक बात बताओ, दो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे बात बताओ कि ये वाला जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट, 1, 2, 3, 4, 100, 101, कुछ भी लिखो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यहीं पे अगर हम कैपिंग लगा लें कि x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x greater than 1 और smaller than 10, अब बात बताओ कितने एलिमेंट होंगे इसमें, कौन कौन से एलिमेंट होंगे? तो हमारा एलिमेंट कौन कौन सा होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतने ही ना होंगे। यानी कि ये वाले जो सेट हो गए वो क्या कहलाएगा हमारा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात हो, हमको मालूम हो या फिर फिक्स्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। चलो, हिंदी में कहते हैं इसको परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। डिफिनेशन लिख लेना सब। एक ऐसा सेट चाहे वो उसके एलिमेंट एम्प्टी हो, खाली हो, यानी नल सेट भी हमारे किसके अंदर आ जाएगा, फाइनाइट सेट के अंदर। सिंगलटन भी सेट हमारे किसके अंदर आ जाएगा, फाइनाइट सेट के अंदर, ठीक है। तो एक सेट चाहे वो खाली हो, चाहे उसमें डिफिनिट नंबर ऑफ, यानी कि एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं, यानी कि परिमित समुच्चय कहते हैं। अगर हिंदी में इसका डिफिनेशन लिखना है तो लिखो एक समुच्चय, लिख लो एक समुच्चय जो रिक्त हो अथवा अथवा जिसके अव्ययों की संख्या निश्चित हो। एक समुच्चय जो रिक्त हो अथवा अव्ययों की संख्या निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। हो गया, क्लियर है। अच्छा, इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, जिसमें क्या हो कि अनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। लिख लीजिएगा डिफिनेशन, खुद से भी बना के लिख सकते हैं। इम्प्टी आया है, तो देखो इम्प्टी मतलब कि पता है ना बाबू, इम्प्टी खाली है, पता है ना कि इसमें एलिमेंट नहीं है, मतलब कि निश्चित है ना कि इसमें एलिमेंट नहीं है। भले उसमें एलिमेंट, कोई जरूरी नहीं कि एलिमेंट होना ही चाहिए, नहीं हो तो भी वो किस में आएगा, फाइनाइट सेट में आएगा। इसमें पता है ना, ठीक है, मतलब निश्चित है ना, एलिमेंटों की संख्या क्या है, निश्चित है, भले वो नहीं है, एकदम खाली है, लेकिन एलिमेंटों की संख्या क्या है, निश्चित। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा समझो कि मान के चलो कि अगर हम तुमसे कहें कि एक चावल के डब्बे में डब्बा खाली है, तो तुमको पता है ना कि डब्बा, अगर हम तुमसे पूछे इसमें चावलों की संख्या कितनी है, तो तुम क्या कहोगे कि सर खाली है, मतलब फाइनाइट है ना, तुमको पता है ना, निश्चित है ना कि हाँ वो खाली है, उसमें एक भी चावल का दाना नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान के चलो चावल को उसमें भर दें, पूरे डब्बे में भर दें, अब पूछे कि तुमसे कि इसमें चावलों की संख्या कितनी है, तो तुम क्या कहोगे, तुम्हारा जवाब क्या रहेगा, इनफाइनाइट है सर, हमको पता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्टी हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा। समझ में आया, चलिए डिफिनेशन लिखिए इनफाइनाइट सेट का, हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या ले लेंगे हम लोग, तो x सच डेट x बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्लियर। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, x सच डेट x, ठीक है, इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। समझ में आया, इसमें भी एलिमेंट कितने होंगे, इसमें एलिमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट होगा। जब तुम जीरो रखे तो क्या आया, जब तुम यहाँ पे ध्यान दो, जब तुम जीरो रखे तो एलिमेंट जीरो आया, जब तुमने वन रखा तो टू आया, जब तुमने टू रखा तो, जब तुमने थ्री रखा तो, एट रखा तो, ऐसे 100 रखा तो 200, ऐसे बढ़ाते जाओगे कंटिन्यू क्या होता जाएगा, ये
बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक ये क्या होता जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, इम्पटी है मतलब पता है ना तुमको, फाइनाइट है ना, ज्ञात है ना तुमको, इम्पटी है मतलब ज्ञात है ना कि हाँ वो खाली है, ज्ञात है ना कि हाँ वो खाली है, लेकिन मान के चलो कि अगर मान के चलो कि उसको हम गिन ही नहीं सकते तो वो क्या हो गया, अज्ञात हो गया, अज्ञात मतलब इनफाइनाइट हो गया, समझ में आया। इम्पटी, सिंगलटन, ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, फाइनाइट के अंदर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं आगे। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान देना कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट यूज थ्री डॉट यानी कि ऐसे 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 आफ्टर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के बाद हम अगर थ्री डॉट लगा देते हैं, जैसे कि ऐसा दिया हो तुम्हारे पास, तुम बताना कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, जैसे तुम्हारे पास दिया हो, अब बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, समझ में आया। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ऐसा भी दे दे, ध्यान दो, अब बताओ ये कैसा है, ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट तक बढ़ते गया है और इस साइड भी इनफाइनाइट तक बढ़ते गया है, ठीक है। तो ये भी अगर ऐसा दे देता, मान के चलो कि -1 0 सॉरी यहाँ पे ले लो डॉट 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 -1 0 1 2, ये बात बताओ क्या है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इस साइड नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इस साइड देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट कोई फिक्स थोड़ी है, माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है, समझ में। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट, तुमको देखते ही पहचान जाना है क्या कि अगर लास्ट में थ्री डॉट मिल जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा, या फिर इनफाइनाइट सेट बनाना है तो कोई भी 3-4 लिख के उसके लास्ट में 3 डॉट लगा दो, हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इक्वल सेट, और इक्वल सेट एक होगा और एक होगा तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों हम समझेंगे, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों लगभग लगभग सिमिलर वर्ड है, लेकिन दोनों के डिफिनेशन अलग अलग है। इक्वल सेट क्या कहलाता है कि मान के चलो कि जैसे रितेश से अगर हम पूछें कि बाबू एक बात बताओ कि वीक के डेज का सेट बनाओ, तो संडे मंडे, तो क्या बनाया, संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे करते हुए इसने लेके गया सैटरडे तक। अच्छा, अगर हम विकास से पूछते हैं, आकाश से, तो ये क्या बनाता कि मान कि दोनों सेट अलग अलग हैं क्या, दोनों सेट क्या है, एक ही है। क्यों एक है, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद था वही एलिमेंट क्या है, यहाँ पे मौजूद है। ये ऐसे सेट को जब दोनों तरफ एलिमेंट इक्वल हो, इक्वल नहीं हो, दोनों तरफ एलिमेंट सेम हो, दो वर्ड होता है, एक बात बताओ, सेम एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है इक्वल, दोनों अलग अलग मीनिंग होता है, हम लोग कह देते हैं लेकिन दोनों में अलग डिफरेंस होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि दोनों में अगर सेम एलिमेंट हो, भले उनका पैटर्न सिक्वेंस अलग अलग हो, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे ध्यान दो, यहीं पे क्या है कि अगर हम ले लेते हैं कि मान के चलो यहाँ पे 0, 2 और 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 3, 2 और 4, अब बात बताओ क्या ये दोनों इक्वल सेट है, क्या ये दोनों इक्वल सेट है, नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 तो है, इसमें भी एलिमेंट 2 है, लेकिन इस वाले में एलिमेंट ना 3 है ना 4 है, इस वाले में एलिमेंट ना 0 है ना ही 5 है, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बराबर, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, और जब सेम होंगे तो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। अगर एलिमेंट्स आर सेम, इक्वल सेट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल,
देन इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ क्या है डिफिनीशन? चलिए तो इसका डिफिनीशन एक बार लिख लेते हैं, लिखते हैं। ये बताइएगा हमें कि इक्वल सेट्स है कि नहीं। अगर दिया हो, मान के चलो कोई सेट दिया हुआ है P इक्वल टू x सच डेट x, ठीक है, इज फर्स्ट टेन इवेन नंबर, ठीक है बाबू। अब एक सेट है Q है x सच डेट x इक्वल टू, या y सच डेट y ले लेते हैं, y सच डेट y इक्वल टू 2n, वेयर 1 और ऐसे है 10 तक, यानी कि n जो है बड़ा है, बराबर है 1 के, और छोटा है और इक्वल है 10 के। तो बात बताइए कि ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे कि नहीं होंगे। फिर से बोलते हैं कि x सच डेट x इज फर्स्ट 10 इवन नंबर, ये क्या है बाबू, y सच डेट y इक्वल टू 2n, ठीक है, जहां पे n जो है 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, और 10 से छोटा भी, छोटा है और 10 के बराबर भी, ठीक है। तो ये बात बताओ कि निहार कि ये जो है ये आपका इक्वल सेट है कि नहीं? इक्वल सेट है, क्यों है? क्योंकि देखो तो इसमें एलिमेंट देखो तो यहां पे p इक्वल टू क्या आ गया बाबू, p इक्वल टू फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ऐसे करते 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 20 तक आएगा, आया ना। अब ध्यान दो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जब n के जगह पे 1 रखे तो क्या आया, 2 आया, n के जगह पे जब 2 रखे तो 3 रखे तो 4 रखे तो ऐसे करते करते 10 रखे तो देखो तो सेम, एकदम से सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो हम कह सकते हैं कि p सेट की सेट q के बराबर है, हो गया, समझ में आया, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो लिखेंगे कि टू सेट a एंड b, सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट आर इक्वल, ठीक है। ध्यान दो यहां पे, पहले समझ लो, ये सेट ए था, ये सेट बी था, ये सेट ए 0 to 5 है, सेट बी क्या है 3 to 4 है। यहां पे ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, एन ए ऐसे लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, ये भी क्या है 3 है। तो हम कह सकते हैं ना कि सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट है। ध्यान दो, इक्विवेलेंट दर्शाने के लिए हम कैसे लिखते हैं, अच्छा इक्वल तो नहीं है, सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है, लेकिन सेट ए और सेट बी क्या है, इक्विवेलेंट है। तो दोनों तरफ से ऐसे तीर लगा देंगे, इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐसे तीर हम लगा देते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे एक और मुद्दा, बस लास्ट पॉइंट है कि एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। मतलब कि जितने भी इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि दोनों में तो एलिमेंट्स क्या है सेम है, तो उनके नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है बाबू। जब दोनों इक्वल सेट है यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट है तो उनके नंबर भी सेम इक्वल होंगे, ठीक है, इसीलिए इक्वल सेट क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता, अभी अभी आपने देखा कि इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन वो इक्वल नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही,
अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी के से बाहर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।